Welcome to speedanning.com, zero loss option trade and stock forex post.com। दोस्तों आप हमारे साथ सीखते हैं स्टॉक मार्केट को और ये वादा है कि आप अपनी पूरी जिंदगी बदल लेंगे। अब 2021 जा रहा है, 2022 आ रहा है, तो 21 में क्या क्या चीजें हैं जो हम छोड़ देंगे एक अच्छा ट्रेडर इन्वेस्टर बनने के लिए। अपने पैटर्न्स होते हैं, उन पैटर्न्स को मैं बताऊं, लॉस मेकिंग पैटर्न्स। अगर आपने उनको एक बार देख लिया तो आधी प्रॉब्लम तो वहीं खत्म हो जाती है और देखने के बाद थोड़ी सी कोशिश करके वो पूरा ही पैटर्न टूट जाता है। उसके बाद में आपको समझ में आता है कि बाजार वही है, सारे हालत वही है जो बरसों से महीनों से थे। आप परेशान हो रहे थे, अब आपने परेशान होना छोड़ दिया। और 2022 में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम अपना लेंगे जिससे हम एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन के दिखाएंगे उसी साल के अंदर 2022 में, 2022 में आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनेंगे हमारे साथ। मैं इस बात का गारंटी देता हूं आपको। अगर आप मुझे इस बात की गारंटी दे दें कि आप सचमुच ये करने के लिए जो कोशिशें, जो प्रोसेस मैं बता रहा हूं उसका आधा भी फॉलो करेंगे तो ये होना ही होना है। और दूसरी बात, एक बड़ा इन्वेस्टर बनने के लिए, मतलब 10 करोड़ to 100 करोड़ के पोर्टफोलियो के लिए आप 2022 में ही शुरुआत कर देंगे और वो काम इस तरीके से चलने लगेगा कि बाजार के किसी भी दौर में, चाहे मार्केट में क्रेश हो रहे हो, पिक्स बन रहे हो, हमारा काम रुकेगा नहीं, हम डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो सबसे पहले दोस्तों 2021 में बाय बाय बोलना है। किस चीज को बोलना है? ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग आप नहीं करेंगे। अब आप दिन भर में बैठ के 10, 15, 20 ट्रेड बगैर सोचे समझे एक सटोरी की तरह आप नहीं करेंगे। अपने आप को वादा कर लो, लिख लीजिए, अपने दीवार पर चिपका लीजिए कि मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करूंगा 2021 में, बाय बाय। दूसरी चीज, मिस इन्फॉर्म्ड या इल इन्फॉर्म्ड डिसीजन नहीं होने चाहिए। मतलब आपको कहीं से थोड़ी बहुत खबर मिल गई, कहीं मैसेज आ गया, कहीं आपने टीवी चैनल में देख लिया, कहीं किसी ने फोन करके बता दिया, या फिर किसी ने आपको कुछ बताया नहीं, आप किसी को देख के उसको कॉपी करने लगे, तो ऐसे आप डिसीजन नहीं लेंगे। जैसे डिसीजन आपने लेके देख लिया ना, इम्पल्सिव डिसीजन, अचानक से मुझे लगा भागेगा मैंने बाय कर लिया, मुझे लगा लुढ़केगा मैंने सेल कर दिया, ये सब अब आप 2021 में छोड़ दीजिए। 2021 में आप टाइम पास करने के लिए स्क्रीन पे नहीं रहेंगे। आपको अगर एंटरटेनमेंट करना है तो आप जाइए पीवीआर आइनॉक्स में जाइए, वहां पे एक मूवी का टिकट लीजिए 3 घंटे के लिए, आप वहां बने रहिए, आप वहां पर टाइम पास कीजिए। लेकिन यहां ट्रेड कैसे होगा? सुबह 10 बजे आप ट्रेड करेंगे और दिन में 2 बजे आप ट्रेड करेंगे इंट्राडे के लिए, नहीं तो 3:20 पे बीटीएसटी के लिए पोजीशन बनाएंगे, बात खत्म। अगर आपके पास कैपिटल इनफ है तो आप 3:20 पे पोजीशन बनाएंगे। इसके रिजल्ट सबसे अच्छे रहे दोस्तों, बीटीएसटी की हमारी जो स्ट्रेटेजी थी उसने सबसे अच्छे रिजल्ट दिए हैं और बाजार की इतनी बड़ी गिरावट में उसने साबित कर दिया कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। आप बहुत अच्छे से पैसा बना सकते थे कुछ भी हो, क्योंकि क्या होता है हमेशा आपने देखा है बाजार में कितनी भी बड़ी गिरावट आ जाए, आप दिन भर में वो गिरावट आ गई, जैसे फ्राइडे या मंडे को आ गई थी, आपने वहां पे पोजीशन बनाई, सुबह बाजार प्लस खुला, फिर धोखा देके माइनस चला गया, तब तक तो आप प्रॉफिट बुक कर चुके थे। शाम को वापस वो बॉटम में पड़ा है, फिर आपने पोजीशन बनाई, फिर ऊपर भी किया। अगर आप निफ्टी या बैंक निफ्टी की कॉल पुट या फ्यूचर में काम कर रहे थे तो भी या तो आपको सीधा प्रॉफिट मिला है या फिर आपको जो लॉस हुआ है वो इतना छोटा था कि उस लॉस के बदले में नया मौका जो मिला पोजीशन बनाने का वो बहुत ज्यादा रिजनेबल रेट्स पे मिला। अब 2022 में जो चीज हमको अपनानी है वो क्या है? 2022 में, 2022 में एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए आप अपने आप से वादा करेंगे, हर महीने में कुछ ना कुछ मार्केट के बारे में नया सीखूंगा। अब नया सीखने के लिए आप किसी भी अच्छे चैनल को जाके सिस्टमेटिक फ्री वीडियो भी देखो तो भी ठीक है, आप बुक्स पढ़ो, पीडीएफ बुक्स फ्री में कहीं मिल जाए उनको पढ़ो तो भी ठीक है, आप छोटे मोटे पेड कोर्सेज अफोर्ड कर सकते हो तो भी ठीक है। मतलब आप चार्ट्स देख रहे हैं, आप कंपनी की फाइनेंशियल बैलेंस शीट देख रहे हैं, फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस को जो जो अप्लीकेबल नॉलेज है, सॉर्टेड नॉलेज, उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे 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 हम एक टारगेट ये बना सकते हैं कि जनवरी में आपका प्रॉफिट होगा 10,000 पर मंथ सिर्फ। भले आपकी कैपिटल 50,000 या 1 लाख हो, लेकिन आप प्रॉफिट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 10,000, मतलब
अराउंड 300-400 पर डे। अभी आप सीख रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, फरवरी में वही आपको प्रॉफिट बढ़ के 10,000 के बजाय 20,000 होगा, मार्च में उसको धीरे धीरे 30,000 पे लेके जाएंगे, धीरे धीरे आपको वॉल्यूम बढ़ रहा है। दोस्तों आप 22 से 25 दिनों तक एक जैसा वॉल्यूम कर रहे हो, एक जैसी मिस्टेक्स कर रहे हो, फिर धीरे धीरे आपकी इनसाइट बढ़ रही है मार्केट को लेके, फिर आप अपना वॉल्यूम बढ़ाते जा रहे हो। बाय दिसंबर 2022 आप 1.2 लेख का प्रॉफिट बनाएंगे, ये टारगेट अपने सामने रख लीजिए। देखिए अगर आपका प्रोसेस स्लो और स्टडी है, आपकी ग्रोथ स्लो और स्टडी है, तो मार्केट आपका कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं ये तो बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि गलतियां नहीं होगी, गलती होने से तो बिल्कुल मत डरना दोस्तों। हमने गलतियां शुरू से की, बरसों बाद भी करते रहे, आज भी गलती करते हैं, फिर भी हम कमाते हैं पैसा और कमाते रहेंगे। अब मार्केट में हम यहां से बाहर चले जाएं, वो रास्ता हमने बंद कर दिया और वही रास्ते हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों 2021 में आपको दो चीजें छोड़ देनी है, ओवर ट्रेडिंग छोड़ दो और इधर उधर की इंफॉर्मेशन से इंपल्सिव डिसीजन छोड़ दो, और इसको प्रोफेशन मानने की शुरुआत करो। सही इनपुट से सही आउटपुट मिलेंगे। 2022 में आप हर महीने कुछ सीखेंगे, एक छोटा सा पेड कोर्स हर महीने करें तो भी मामला आपका इतना अच्छा हो जाएगा कि सपोज आप एक 2,000 रुपए का पेड कोर्स ले रहे हैं या 5,000 का पेड कोर्स ले रहे हैं, तो साल भर में या तो आप 25,000 या 60,000 खर्च करेंगे, लेकिन अगर उसके अगेंस्ट आपको 3-4 लाख का प्रॉफिट होता है तो क्या आप शिकायत करने वाले? बिल्कुल भी नहीं। तो अपने आप पे भरोसा कीजिए, अपने आप को मौका दीजिए। जैसे हम जाते हैं कहीं इंटरव्यू में, कोई हमको नौकरी नहीं देता है तो हमको बुरा लगता है कि हम पे भरोसा नहीं कर रहे। आप अपने आप को तो जॉब दे दीजिए, अपने आप को काम पे लगा दीजिए पूरे भरोसे से, और बीच में ये कभी नहीं पूछेंगे होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। आप अपनी कोशिश करते जाइए और मैं वादा करता हूं 2022 में आपके अमीर बनने की प्रोसेस पूरी तरह शुरू हो जाएगी। और इन्वेस्टमेंट हर महीने करेंगे, अलग अलग सेक्टर के स्टॉक जो फंडामेंटल स्टॉक म्यूचुअल फंड की टॉप 25 होल्डिंग में, वो आप उठा के खरीदते चले जाएंगे। आप हमको सब्सक्राइब कर लीजिए, हम हर महीने अच्छे अच्छे स्टॉक्स की लिस्ट आपके साथ शेयर करने वाले हैं, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, वो स्ट्रांग स्टॉक आपकी मर्जी है। आप उनमें से जो जो खरीद के रखना चाहो, जितनी आपकी कैपेसिटी हो आप काम करते चले जाइए, लेकिन वो परफेक्ट काम होने की बजाय काम का शुरू हो जाना बहुत अच्छा है। ऐसा कहते हैं काम शुरू हो गया मतलब आधा तो खत्म हो गया समझो। तो दोस्तों 2021 को बाय बोलिए, 2022 का बाएं फैला के स्वागत कीजिए, अमीरी आपका इंतजार कर रही है। बाय।